जो ये ख़त है वो एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई। बहुत ही उसमें मैं समझता हूँ कि जो जब वो ख़त के मंदरजात जो हैं वो ज़ाहिर है फेडरल कैबिनेट के साथ शेयर किए जा सकते हैं, चूँकि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक हुकूमत से शेयर किए हैं। हमारे बाकी मामला थे, उसके बाद हमने जो उसका जिस्ट है, हमने वो कंटेंट नहीं लेकिन उसका जिस्ट जो है वो थोड़ा कुछ मीडिया एंकर्स के साथ शेयर किया। उन मीडिया एंकर्स के साथ जो ज़्यादा फॉरेन अफेयर्स वगैरह के ऊपर प्रोग्राम करते हैं उनके साथ हमने रखा। अगले मरहले में हमारा प्लान ये है कि हम ये जो ख़त है इसको पार्लियामेंट के सामने इन कैमरा सेशन में रख रहे हैं। जो जिस किस्म की ज़ुबान, जिस किस्म की धमकियाँ, जिस किस्म का प्लान इस ख़त में दिया गया है वो किसी भी सॉवरन मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए कबूल काबिले कबूल नहीं है। लिहाजा मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब हम इन कैमरा उसका पार्लियामेंट में भी इसको रख रहे हैं। कल हमने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब अगर चाहें उनको हम जो है ये खत दिखा देते हैं। लेकिन इमरान खान लड़ेगा पाकिस्तान की हुर्मत के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की कौम की इज्जत के लिए। और ये मैं वाजे कर दूं ना, वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं, है नहीं पीछे। अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। अच्छा, फवाद साहब, आप इतने पुरउम्मीद हैं, आमिर लियाकत पूरी साहब करेंगे, फवाद साहब क्या आप कहेंगे? इसका मैं जवाब दे रहा हूं। 172 इसका मैं जवाब दे करेंगे, इत्तेहादियों के नंबर भी आपके नंबर के। देखिए देखिए, एक तो जो आपने सवाल पूछा आमिर लियाकत, एक तो आपने सवाल पूछा आमिर लियाकत साहब का और फारूक साहब का, तो देखिए हर एक ने अपना अपना जवाब, और फरक अल्ताफ साहब का, हर एक ने अपना अपना जवाब खुद देना है। आप ये भी देख लीजिए कि हर एक ने फैसला करना है खुद, जो झेलम है और झेलम के अवाम हैं और झेलम के सपूत हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है फवाद चौधरी। हर रावल दस्ते में सामने खड़ा है, डट के खड़ा है हर तरीके से, और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। और बाकी बहुत सारे जो लोटे उधर गए हैं उनसे देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, कल की या परसों की बात नहीं है, ये सवाल अब नस्लों तक करने पड़ने हैं। मैं एहसन इकबाल साहब से अब तक सवाल करता हूँ सियासी, कि क्या मियाँ जाय सरफराज साहब के जो अंकल थे उन्होंने एहसन इकबाल साहब के नाना को हराया था कि नहीं, जिन्होंने कायदे आजम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। तो तीन नस्लों के बाद हम ये सवाल कर रहे हैं, तो आज जो लोटे जाकर बैठे हुए इनकी भी तीसरी नस्ल ने इस सवालों के जवाब देने हैं। ये भी सिर्फ आपको ऐड कर दूं कि आगे जो इवेंट्स इंशाल्लाह होने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इन्हीं लोगों का है जो अभी सिंध में बैठे। इनको पता नहीं इनके साथ क्या हो गया। बहरहाल मैं उस पर क्या हुई है जो उसकी थोड़ी तफसीलात बता, दो दफा हुई है आर्मी चीफ खुद आए थे। देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हमारा जो मुद्दा है, हम एक बड़ी हमारी एक वाज़े लाइन है, हमारी लाइन ये है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का इस्तेहकाम की जामन है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जामन है। हम पाकिस्तान की फौज, उसकी क़यादत, उसका जो एहतराम है, उसकी जो एक कह लीजिए कि उसका जो एक मुकाम है उसको हम पूरा रिकग्नाइज करके, इस इमरान खान का एक ही तो एडवांटेज है। इससे पहले जो भी हमने देखा नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम था, इदारों को फतह करने के चक्कर में रहते थे। हम इदारों के साथ मिलकर काम करने को जो है वो अपना समझते हैं, मुद्दा समझते हैं, और इसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। सर मामला वोटिंग तक जाएगा, ऑप्शन ज़हन में है, देखते हैं। और एक एक बात, डिजाइन का ऑप्शन जो है वो कोई ज़हन में नहीं। एक आखिरी बात बता दूं कि ये जो खत वाली बात है, ये सॉफ्ट सिग्नल तो बहुत देर से इमरान खान को दिए जा रहे थे कि आप हमें पसंद नहीं है, जब वो फिर भी उन्होंने सर नहीं झुकाया तो आखिर पर फिर ये एक सख्त किस्म का खत लिखने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को ये बात वाजे बता दे कि जो कीमत भी हुई इमरान खान देगा, लेकिन वतन की, आपकी कौम की खुददारी के ऊपर सर नहीं झुकाएगा, हर तरह की कीमत देने के लिए तैयार है।